Thank you.
स्थिति हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा से प्यारी हो गई है। बीता बृहस्पतिवार के शाम के समय सदा सदा के लिए स्वर्गीय शीलावती सुशीला देवी जो बबली के नाम से लोग जानते थे वो भगवान को प्यारी हो गई है। और अभी आप सभी जानते हैं कि इस समय जो लोग संकट का समय जो चल रहा है, बीमारी का जो महामारी जो चल रहा है, और उस पर हम नज़र धरते हुए उस पर भी ख्याल करते हुए भी हम ऐसा जो क्रिया है इनका सुंदर से शांति से संपन्न करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे जीवन हम जन्म लेता है मनुष्य क्यों लेता है जन्म, इसलिए क्रिया आदि करने के लिए आज बड़ा अच्छा भाग है जो क्रिया करने का किसी का मौका मिलता है, कर्म करने का। कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिया करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो आज कितने लोग परिवार जो देश विदेश में है आज नहीं आ सकते हैं कारणवश है, लेकिन वहाँ से श्रद्धांजलि दिया है। और इस क्रिया को भी आप लाइव हो रहा है, लोग घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, हम सभी को सहयोग लेते हैं, कारण बस नहीं आ सकते हैं परिवार के लोग, और भी लोग हैं इस लाइव को देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुटा हुआ है इस क्रिया में। और आप जानते हैं कि हम अभी 30 रन के मौका मिला हुआ है, तो अगर हम ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो हम दूर चले जाएंगे, और समझदारी से काम करेंगे। हम जानते कि लोग आ जाते हैं, ढेर हो जाता है, कतरन हो जाता है, तो कभी कोई ऐसा बवाल ना हो पाए। आप लोग समझदारी होना चाहिएगा, हम अरे हमारे अंदर में समझदारी और बुद्धिमान से होकर हम कार्य को संपन्न करें, यही हमारी शिक्षा मिलता है। सबसे धनी की संसार में क्या है, तुम्हारा आदर्श और बुद्धिमान, बुद्धिमान से होकर हम कार्य को करें। आज कोई नया चीज नहीं हुआ, मृत्यु लग्न में जो जन्मा उसका मृत्यु अवश्य है। तो सुशीला देवी जी इस परिवार से विदा ले लिया, तो फिर इसी प्रकार से चले हम इस आत्मा के प्रति आज छोटा सा भागवत गीता का पाठ श्रवण करेंगे, जो पुण्य फल होगा हम लोग अंत में इस आत्मा के प्रति पुण्य फल दान देंगे। कि भगवान जहाँ भी आत्मा है, कोई भी दिशा में आत्मा ले गया हो, चाहे जल में, पाताल में, आकाश मार्ग में, कोई भी जगह आत्मा गया हो, भगवान से आत्मा के शांति। आवागमन का संसार जो जन्मा उसका मृत्यु अवश्य है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जब बुलावा आता है हरि के द्वार से तो हमें छोड़कर जाना पड़ता है। हम अपना पूर्वज का भाग लाते हैं, जब जन्म लेते हैं, जब जाते हैं तो हम कर्म धर्म ले जाते हैं, ये बात याद रखना, ये खास हमारा साथ। तो स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती देव नारायण देव की हमारे मौसा जी थे, हमारे मौसी जी थी, भगवान को प्यारी हो गई है। आज उनके जो ज्येष्ठ पुत्री है उनका मृतक शव रखी हुई है सुशीला देवी जी का, तो हमें वो चिंता भी नहीं करना, हमें जो क्रिया है उसे करना है। जानते हैं कि भाई सोच प्यार जो है, प्रेम है, वो आ जाता है हर एक के, सबके ऊपर दुख आता है, लेकिन दुख को हम लोग बांटते हैं, बांट लेंगे ऐसा दुख को हम लोग बांट लेंगे कि चले हम बबली जी के आत्मा के प्रति जो क्रिया करेगा, ऐसा क्रिया सुंदर से संपन्न करने की हम कोशिश करो कि अच्छा से क्रिया से सब पूरा बराबर हो जाए शांति से। ये बड़ा सबसे बड़ा पूजा यही है यार, आप यहाँ से आगे तो बहरे बंदगढ़ चले माताएं भले से हम निवेदन करेंगे, साड़ी की यात्रा जो है सिर को ढाक लो, हम चले भगवान कृष्ण के चरणों में चले महाराज। हे कृष्णा महाराज, जो आज जो आत्मा इस घर से आत्मा को ले गया है, जहाँ भी गया हो उस आत्मा प्रति छोटी सी श्रीमद भागवत गीता के पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। सुशीला देवी की आत्मा के नाम निमित्त भगवान जो पुण्य फल होगा हम लोग अंत में दान देंगे, यही हमारी पूरी की प्रार्थना है। स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु
गर्भणम तमेह तमेव सर्वम मम देव देवम ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वसुदेवम सुतम देवम कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुषय परमपार अलग पुरुषाय नमः। जगदबंधो ज्योति सर्व जियाति जाननहार हरियस मंगणया प्रभु के द्वार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। एक बार बोलिए प्रेम के साथ में आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की। प्यारे हमारे स्वकाग्रस्त परिवार दुंडगढ़ से पधारे हुए परिवार के गण जो ज्ञान कृष्ण भगवान अर्जुन को दिया हम सबको मिले उस आत्मा के मिले पुण्य फल मिले। जब महाभारत का युद्ध चला कौरव सेना के लोग पांडव सेना के लोग दोनों सेनाओं जाकर आमने सामने कुरुक्षेत्र में खड़े रहते हैं। अर्जुन हाथ में धनुष बाण लिया हुआ गिरा दिया बोले हे महाराज इसे हमारा मामा है हमारा पौत्र है हमारा पुत्र है हमारा परिवार के लोग हैं और हमारे गुरु के समान है इनके ऊपर मैं बाण कैसे प्रहार करूंगा। जबकि बड़े बड़े कुटुंब परिवार को अपना अर्जुन देखकर अर्जुन की आत्मा में सुख उत्पन्न हुआ जैसे भैया आज अरविंद जी के घर पर शोक ये कुछ दुख के बात है भाई शोक शोक आ जाता है शोक आता भी है शोक जाता भी है। इसीलिए कहते हैं अर्जुन के आत्मा में सुख आया तो भगवान जी बताते कि कृष्ण भगवान है बोले हे अर्जुन अपने आप को संभालो आपको कर्म करना है फल की आशा नहीं करना है और अपना कर्म नहीं करते जाओ फल की आशा को त्याग करते जाओ। और दूसरा बात यह बताते हैं भगवान कृष्ण जी कि जो जन्मा है अर्जुन उसका मृत्यु है शरीर का नाश हो जाता है शरीर सर्वनाश मर मर जाते बोले शरीर आत्मा नहीं मरता आत्मा को हम काट नहीं सकता शरीर को काट देंगे आत्मा के पानी भिगो नहीं सकता लेकिन शरीर को गला देगा आत्मा के हम छेद नहीं कर सकता लेकिन शरीर को छेद कर सकते आत्मा के अग्नि जला नहीं सकता लेकिन शरीर को जला देगा। पांच तत्व से बना हुआ पंच महाभूत जो शरीर है पंच भौतिक शरीर उसमें अग्नि है जल है वायु है आकाश है यानी कि धुआं है और माटी है। पांच तत्व से बना हुआ पंच भौतिक शरीर अभी सुशीला देवी के यहाँ पर रखी हुई है। कुछ देर बाद शव को ले जाकर उसको अग्नि में जला देंगे पांच तत्व आवरणपन स्थान चला जाएगा। परमात्मा का बनाया हुआ दिया हुआ वस्तु था आत्मा वो जब चाहा जैसा चाहा उसे निकाल लिया तो उसी के प्रति जो कर्म है क्रिया है अब उसे करना है। भगवान जी बोले हे अर्जुन परिवार तेरा साथ जन्म नहीं लिया अकेले आए हो वो माया में हम फंसे हैं वो माया में जकड़े हुए हैं वो माया बहुत चतुर चीज होता है लेकिन वो माया से हम निकलेंगे अपना जो कार्य है कार्य उसे हमें देखना है करना है। जैसे कि सुंदर बात है ये होता है स्वर्गीय मौसा जी का यानी कि सुशीला जी के पिताजी का भी क्रिया 13 रोज का हुआ माँ जी का भी क्रिया 13 रोज का क्रिया हुआ ये बात सुंदर बात और आज भी उनके बेटी का भी 13 रोज का क्रिया हो रहा है ये सुंदर ये करने का बात है। कितने महामारी का लोग जैसे महामारी बीमारी चल रहा है लोग धर्म को काट दिया है साथ काट दिया दुख बीमारी सब आग चपट जोड़
चपेट होने लगा है, संकट आने लगा है, इसलिए धर्म को सर्वनाश होता है। तो इसीलिए बड़ा सुंदर बात, जो अपन धर्म के नियम से काम करेगा उसके घर पे काम 100% वो काम सफल होगा। चिन्ह तो अभी तो ज्यादा लोग नहीं भी आते हैं, कुछ खर्चा उतना लगता भी नहीं है, तो अभी लोग तीन रोज में करते हैं। तीन रोज में क्या होता है, हमारे गुरु जी कहते हैं वो क्रिया कभी संपन्न नहीं होता, कभी मुक्ति नहीं पाता। गरुड़ पुराण बताता है वो कभी सफल नहीं होता। ये हमारा सनातन धर्म का विधान है कि भैया हमें 13 रोज तक आत्मा अभी सुशीला देवी का पंचभौती शरीर पड़ी हुई है। गुरुवार से जब ये विदा ले लिया फिर इस परिवार से, अरविंद जी के घर से, आंगन से, वो आत्मा कब जाएगा, जब 13 रोज का जब हवन होगा, 10 गात का विदा कर देगा, चला जाएगा, लेकिन 13 रोज तक वो आत्मा निगरानी में रहेगा। वो आत्मा हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपना पूरा निशाना देगा। तो ये बात होता है गरुड़ पुराण के माध्यम से, चाहे भागवत गीता के माध्यम से, चाहे रामायण पहले जमाने में होता रहा, चाहे कोई भी चीज हम करते ग्रंथ के मुताबिक से, लेकिन जो हमारा क्रिया है वो बहुत सुंदर बात है कि हम लोग जो मनुष्य के ऐसा है जो अभी भी परम विधान को नहीं छोड़ता है, करियो 10 गात का 13 रोज का क्रिया करता, वही करने के लिए हम लोग जन्मा है। हम लोग फायदा जेब में भरने के लिए, बचा कर रखने के लिए नहीं रखता है, करने के लिए आए हैं। जन्म मिला मनुष्य के कहा मिला, क्रिया करने के लिए मिला। और कोई जानवर के अवसर की मृत्यु होता, कोई क्रिया उसके बराबर करता है, तभी नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं बड़ा भाग्य जो मनुष्य तन पावा, मनुष्य के तन जो मिला है जन्म, बड़ा अनमोल चीज है। भगवान जी बोले ये आत्मा जो है परमात्मा है, चाहे तुम अल्लाह बोलेगा प्रभु की जय बोलेगा, चाहे तुम कोई भी चीज बोलेगा, कोई भी धर्म का होगा, कोई भी जात का होगा, अपना धर्म अपना है, अपना विधान पर कार्य करो, सिद्धि होता है। कृष्ण भगवान जी बोले हे अर्जुन, आत्मज्ञान को लेना है, बुद्धि को नाश नहीं करना है, जो कर्म करना है वो कर्म प्रधान है तुम्हारा, कर्म साथ चलता है, कर्म के बंधन से हम बंधे हैं, और धर्म के साथ हमारे कार्य को संपन्न होता है, यही प्रार्थना। कृष्ण भगवान जी बोले हे अर्जुन, तुम सोच मत करो, जो कर्म करने के लिए आप उपस्थित हुआ है, और सत्य का साथ दो, असत्य को दबाओ, और अपना धर्म पहले देखना, अपना कर्म धर्म करना है, दूसरा का धर्म के बारे में नहीं जानते हम। तो भगवान जी कहते हैं हमें अपना के बारे में देखना, विधि विधान जो है उसे काम करना है, और उसे कभी अपना धर्म का खंडित नहीं करना। ये सब बात लिखा हुआ भगवत गीता में, रामायण के अंदर में, कि आखिर में अंत में वही होता है जो परमात्मा का लिखा हुआ चीज होता है। कभी कभी लोग सुना होगा आप लोग, इतने लोग कई जगह पर लोग धर्म का बुराई करते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है वही काम होता है। तो हम क्यों बोलते हैं, हम पूछ के अपन पुण्य को बटोरो और पुण्य को लाओ, और पाप को सदा नहीं बटोरो, पाप को भगाते जाओ। कृष्ण भगवान जी कहते हैं जहाँ पुण्य आएगा वहां पाप आएगा, लेकिन जो मनुष्य काम कर्म होता है वो पाप को कैसे हम हटाते हो। और भगवान जी बोले हे अर्जुन, तुम कर्म का त्याग नहीं करना, और जो इंद्रिया हो मन के साथ जन्म लेता है, इंद्रिया को वश में रखना, बुद्धि काबू में रखना, कोई काम करना सोच समझ करना। अगर एक पूजा करता है उसमें 4 सुपारी अगर छोट मार दी, कमती होगी कमती, तुम्हारा आत्मा में अगर शांति है तुम अच्छे से करा, वो 4 सुपारी के बदली वो 12 सुपारी आ जाएगा तुम्हारा आत्मा से, है ना। भगवान जी कहते हैं सबसे बड़ा पूजा है तुम्हारा आत्मा जो है, भगवान जो हमारे शरीर के अंदर में आत्मा है, वो तो हम सब परमात्मा का अंश है। हम बहुत बारीकी से बताते हैं भगवद गीता, कई बार लोग मंदिर में सुना होगा, लेकिन जो खास बात बताते हैं कि भगवान जी कहते हैं अर्जुन इंद्रिया को वश में रख, और आत्मा कैसे खाता है, चलता है, पीता है, सोता है कर्म अनुसार। तो कभी भी बोले बुरा काम, क्रोध और लोभ,
ये तीन नरक के द्वार है, ख्याल करना जी, ये तीन नरक का द्वार है और हम स्वर्ग नरक कहाँ है, धरती के यहीं पे। स्वर्ग नरक यही बनाते हैं, अपन घर को सुख स्वर्ग बनाते हैं, अपन घर को हम नरक बना देते हैं। तो मनुष्य के हाथ में होता है शिक्षा जो होता है, पहला गुरु मातृ दे भवा, दूसरा गुरु पिता दो भवा, पिता दो भवा पिताजी हो। पंडित कोई शिक्षा कोई ये नहीं दे पाता है, सब कोई कोई जरूरत नहीं है पंडित जी के, मौलवी के लेसन देने के, पागड़ी के भी कोई अलाउड नहीं है कि तुम इसके टीच करो, कौन करेगा? तुम्हारा गुरु पहला जो मैया बप्पा जो तुम्हें शिक्षा देगा, उसके बाद सुनना है, उसके बाद करना है, उसके आधार पर जो शिक्षा मिला वैसे करना है। ये सब सोचने वाली बात है। कभी कभी हमने देखा है कोई दूसरा टीच करता है उसको, वैसे नहीं। माता पिता जैसा अपन बच्चन के रास्ता पे ले जाएगा, उसके बच्चन वही रास्ता पे जाएगा। आम के पेड़ बोया आम मिलेगा, कटहल मांगेगा उसमें लगेगा नहीं लगी। ये भगवान जी कहते हैं कि हम अपना जो शिक्षा है जो कर्म है वो करना है। तो भगवान जी कहते हैं अर्जुन अच्छा कर्म करो, अच्छा की फल की प्राप्त हो, बुरा कर्म कभी नहीं करना। बुरा कर्म कभी कभी छोटी मोटी अनजाने में हो जाता है, उसके भी कटने का रास्ता है। और जो साधन है जो विधि है विधान है उसको पालन करना, ठीक है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण सुंदर बात, अभी शो को हम लोग लाए हैं भाई पर रखे हैं, सुशीला जी का दीप जलाया। ये दीप वैसे दिखाने के लिए नहीं जलाते रखा हुआ, उसमें माँ लक्ष्मी का वास है, उसके अंजोरिया होता उजाला रोशनी देने के लिए कि हम लोग यही दीप जलाते हैं कि सुशीला की आत्मा जहाँ भी गए उसके अंधकार नहीं मिले, जितना दीप हम जलाए उसकी आत्मा के नाम से ज्योति मिले, उसको रोशनी प्रदान होता है, ठीक है। और आज से जो दीप जलता है वो नारियल के तेल का जलेगा, ठीक है। जो दस घात का क्रिया होगा जिस दिन से दसवां रोज होगा, उस दिन नारियल के तेल से दिया नहीं जलाएंगे, उस दिन भित का घी का दिया चलेगा, क्योंकि तेल जो होता है हम उसके प्रेत की बत्ती पितर के पति जो है करेगा। दस घात के बाद वो देव देव का पूजा करेगा, उसका मतलब होता है घृत जो है घी देवता का पूजा अच्छा घी चलेगा। ये सब थोड़ी थोड़ी बात है, हमें देखना है करना, जितना अच्छे से करेगा एकदम सफल हो जाएगा, कोई न कम से ना विपत आएगा ना सपना आएगा उतना, कभी कभी लोग बोले दुख देवे हमें सपना आवे ये आवे कर्म से। तो भगवान जी बोले हे अर्जुन जो अपना विधान है, जैसे जो एक बोलेगा उसके बाद सुनेगा, जैसे हमने यहाँ पर हरे पूजा पाठ यहाँ पर करा रहा हूँ इस घर पर। अब जो अरविंद जो बात करेगा मुझे बताएगा, हम उनका बात सुनेंगे। अब चार लोग और बताएगा ऐसे वैसे बताएगा, उनको नहीं सुनेंगे ना। तो एक बोलेगा काम सब करेगा ना, सब जगह पे देखना, हर जगह पे मुसीबत होता है, एक कोई कार्य होता है, एक खाली हम लोग के धर्म के होता है हिंदी ना, एक होता है कितना बोर बात होता है, लेकिन ये सब बात नहीं करना है। एक का बात सुने हम, एक के अपन विधान पे काम करो, बस सफलता है। भगवान कृष्ण के जो विनती है, तो कृष्ण महाराज जी बोले हे अर्जुन जो बात कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया, अर्जुन वही कृष्ण भगवान के बात सुना। अर्जुन दुर्योधन के बात नहीं सुना, अर्जुन कर्ण के बात नहीं सुना, भूरी सर्वा के बात नहीं सुना, कृष्ण के बात सुना। वही बात भगवद गीता में संजय ने दृष्टि का मिला, संजय राजा धृतराज जी को सुनाया। वही बात इतना बड़ा राजा कौरव सेना का राजा संजय के बात सुनी। इसी प्रकार से कहते हैं कि हम भक्ति करो और फल की आशा त्याग करो। यही गीता का ज्ञान आज बहता है इस आत्मा के प्रति सागर में, कि हमें दिखौटी भी नहीं बंद करना है। आजकल बहुत चीज होता है दिखौटी में, अचानक कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये गलत है, हमें अपना कर्म करना है, सुंदर से सजाना है, सुंदर से करना है। यही सबसे बड़ा धर्म हमारे शास्त्र में गुरु जी हमारे गुरु जी कहते हैं, ये सबसे बड़ा पूजा संसार में यही है। सबसे पवित्र क्या है? मृत्यु लोक, मृत्यु।
बारी बारी से हम सभी का मृत्यु होगा, कोई सोचेगा नहीं, सबका सबके बारी आता है, सबके बारी, आज यहाँ कल वहां परसों यहाँ, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे प्रभु की जय बोलो, सब घूम कर एक जगह पर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं अर्जुन, अपना जो चित्त है तुम शांति लाओ, कोई काम करो शांति से करेगा, बोले अर्जुन तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अर्जुन आप कुल के बारे में सोचो, देखो गीता में लिखा है ना रामायण में, कुल कुल को बचाना, कुल के साथ जो चलेगा कुल उसका नाश नहीं हो पाएगा, कुल उसके आशीर्वाद देगा और उसके जो पीढ़ी है उसको आशीर्वाद देगा। तो अभी के जमाने में कुल का कितना भारी बर्बादी हो गया है, पीढ़ी का सर्वनाश हो जाता है, इतने ऐसे लोग हैं भाई, चार पीढ़ी को देखता है कोई, तीन देखता है कोई, दो देखता है कोई, एक पीढ़ी अभी जमाने में नहीं देख पाता, क्या है गड़बड़ है, तब तो एक पीढ़ी नहीं देख पाए मनुष्य। तो अपना कर्म करते जाओ, कोई गलत करता है इसको सुधारते जाओ, यही गीता का ज्ञान है, यही रामायण का ज्ञान है, यही ग्रंथों का ज्ञान बहता है। संस्कृति सभ्यता आदर्श मान मर्यादा ये बहुत धनवान की संसार में है प्यारे बंदर, सब चीज पैसा भी नहीं, तेरे पास अगर प्यार है संस्कृति सभ्यता है ऐसा पैसा तेरे पास आ जाएगा कोई भी रूप में आप जान नहीं पाओगे, ऐसा चीज घर में बरकत आ जाएगा आप जान नहीं पाओगे कैसे आ गया चीज तेरे घर, ऐसा भी शक्ति उसके अंदर में है। इन्हें सोचो कि हमारे पास सब चीज पैसा पूरी है, इसे है पैसा नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, प्रेम है तेरे पास है सब चीज होगा, हमें धन के पीछे भी बहुत भागना नहीं, अपना कर्म करना है, अच्छा कर्म रहेगा सब चीज अच्छा ही रहेगा, सब चीज की भरपूर रहेगा, भरपूर सब चीज की भरपूर अगर नहीं हो पावे कुछ गड़बड़ है, कोई चीज गलत है, वहां पर आजमा के देखना, करके देखना और सोच के देखना भी, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए भगवान जी कहते हैं चाहे तुम थोड़ा कमाते हो चाहे ज्यादा कमाते हो अर्जुन संतुष्ट रहो, संतुष्ट प्रसन्न रहो, प्रसन्न हो सके दूसरों को भारत के से हो सहयोगी दो, घर पे किसी ने कहीं जाकर मदद किया उसके धन्यवाद दो, या धन्यवाद है आपके, उसका नेकी कभी नहीं भूलना, जो तुम्हें हाथ बढ़ाता है नेकी रखना वो धनवान चीज है, नेकी कितना लंबी छोड़ी भाषण बोलेगा सुनेगा करेगा वो कोई फायदा नहीं, तुम नेकी रखो और उसी तुम्हारा साथ जाएगा। कोई जैसे अभी बीमारी चल रहा है उदाहरण, कई लोग नहीं आ पाते प्यार से श्रद्धा से तुमसे फोन में अगर बात किया समझो उसके उसके पूजा तुम्हारे घर पे चढ़ गए आ गया, कोई फोन में गुर्रा के बात करेगा ऐसे बोलेगा और कुछ दोष देगा समझो उसको तुम्हारे घर पे पाप लाएंगे, हो रहा है फोन में लोग बताते हैं साधन बना हुआ है, पहले जमाने में तो फोन नहीं था ना सब चीज नहीं था, अभी तो लाइव हो रहा है देख रहे नहीं आ पाते लेकिन देख रहे हैं। यहाँ से भी ज्ञान हमें लाना है, ये महामारी का जो बीमारी चला है कई कई लोग को इस बीमारी से शिक्षा भी मिलता है, ज्ञान समय का पालन, समय का साथ, समय बलवान, समय पर जो चीज होगा तो रोक भी नहीं पाएगा, परमात्मा का बनाया हुआ वस्तु है वो जब चाहे जैसा चाहिए ले जाएगा चलेगा, लेकिन हम लोग अपन तैयारी में रहो, इन्हें भूलो ढिल्ला रहे हम हाथ पौड़ के काम धाम नहीं करी, बकरी गरीब है हमारे पास है नहीं तो रोम चीज है, पहले जमाने में हम लोग अभी लोग परवाह नहीं करते थे ना, बोले ऐसे हाथ गोड़ हिलाओ अपना काम करो अपन तैयारी में रहो, प्रबंध करने में तैयारी में लगे रहो लगे रहो। कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन अपन कर्म करने में लगे रहो, इसी प्रकार से मनुष्य के चाहिए अपना कर्म करने में हम लगे रहे उसे हम कभी ना वंचित रहे। तीन अवस्थाएं होती है बचपना जवानी और बुढ़ापा, तो अपने अपने अवस्था के नियम अनुसार परमात्मा को प्यार होती है, शरीर नाश हो जाता है, शरीर से प्रतिशत कुछ ज्यादा सुंदर मन होना है, जैसे मन होना चाहिए आत्मा मन,
शरीर कितना सुंदर बनाओ, लगड़ के नहाओ, हम पवित्र हो गया। तुम्हारा मन नहीं सफा है, आत्मा नहीं सफा है, वो लगड़ के नहाने से कोई फायदा नहीं। सोना गाना जो होता है गोल्ड है, ये लोग पहनते हैं, इसके पीछे ज्यादा लोग ध्यान करते रहते हैं, इसके सोना रहा, गाना रहा, गुड़िया रहा। सोना से बढ़ के जो तुम्हारा जिसके साथ नाता है, रिश्ता, वो बड़ा चीज है, वो बड़ा चीज है। इसलिए सब चीज का होता है। कई जगह पर लोग कान में सोना मरने की बात छोड़ते हैं, नाक में छोड़ते हैं, मुंह में छोड़ते हैं, ऐसा भी है। लेकिन जो है एक मुंह में छोड़ दिया उसका चला गया, एक गली आजी गली आदों में बुढ़िया। तो इसलिए कहते हैं हमें उसके बारे में वो सोचना नहीं है। संसार में सबसे बड़ा चीज होती है प्यार, प्रेम। जो प्रेम से अभी तो हम देखते हैं, जो अच्छा से जो जिसके करता देखता है उसको कोई सुनवाई नहीं होता, कोई बात नहीं, सुनवाई होए ना होए, लेकिन कोई बोले देखे या ना देखे, लेकिन परमात्मा देखता है, भगवान देखता है कि कौन 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 जी करता है ना। इसलिए अपन कर्तव्य करते जाओ भाई, संसार की मुक्ति का मार्ग बनाते जाओ, अपना अपना मुक्ति का मार्ग बनाते जाओ। बंधुगण यही हमारे साथ है, अपना करते जाओ, जीवन में सुख अनुभव करोगे। कभी धूप कभी छाव, कभी हानि कभी लाभ, ये लगा। जय पराजय, छह चीज मनुष्य के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। बचा चीज मनुष्य के हाथ में है। तो भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इंद्रिया वश में रखो, अपन कर्म करो, सात्विक पूजा में रहो, ज्यादा राजसी पूजा में नहीं रहो, राजसी में वो विश्वास नहीं करो, तामसी में लगे नहीं रहो, तामसी से निकलो, सात्विक के बगल रहो, तुम्हारा फलित होगा। यही साथ देते हैं। इसलिए भक्ति करो और कर्म अच्छा करो, फल की आशा नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं, कितना सुंदर भाग आज अरविंद जी का मिला है, बहन का आज क्रिया करने का, कितना भाई आज तरस रहे हैं अपना बहन के लिए, कितना लोग तरसते हैं भाई, ये तो बड़ा भाग्य है, इसके बहुत सुंदर भाग्य मिला। तो भाग उसी का होता है जिसका भाग्य में है, जिसका भाग्य में नहीं है, कितना भी तुम धन रखो कोई फायदा नहीं। भगवान जी कहते हैं, हमें धन के पीछे भागना नहीं, हमें अपन धर्म के पीछे भी भागना, धर्म के पीछे। धर्म रक्षति अथता धर्म विरसति विरसता। हरि ओम श्रीमद्भागवद गीताय संपुरुष ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंख्य योग अध्याय का पारे समाप्त भयो नमो नमः। एक बार बोलिए प्रेम के साथ, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बोले ओम श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। हे भगवान कृष्ण महाराज, जो हम सुशीला की आत्मा के प्रति जो कुछ है गीता का पाठ श्रवण कराए हैं, जो गीता में पुनः है, जहाँ भी आत्मा गया है उस आत्मा तक जो पूर्ण है पहुँचे, सदगति मिले, घर वाले को दृढ़ता मिले, शांति मिले, और आत्मा भगवान के परम धाम जाए और पुण्य फल मिले और अच्छी से अच्छी योनि में आत्मा जन्म ले, यही प्रार्थना है आज का। और यही पुण्य हम लोग देने के लिए आते हैं। पुण्य छोटा सा बात, अभी आप लोगों ने कहा कि ओम श्री कृष्णम अर्पणम वस्तु, बहुत जने सुना होगा, तुम लोग बोला होगा ओम श्री कृष्णम अर्पण, अर्पण बोला नहीं लगा, अर्पणम बोलेगा मगर मुंह बंद हो जाए, अर्पणम ना, ये सब बोलने से लगता है मुंह बंद होने से ना। तो भगवान जी कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, राइट, सही चीज का जो मंत्र का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, उसी से मुक्ति है, उसी से। तो प्यारे बंद करें, मैं अपने श्री सनातन धर्म ब्राह्मण प्रवेश सभा लोटोका शाखा की तरफ से, श्री सनातन धर्म ब्राह्मण प्रवेश सभा पूरा फिजी की तरफ से, स्वर्गीय सुशीला जी की आत्मा प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उसकी आत्मा के शांति दे और सदगति मिले। सभी को धन्यवाद दे रहे हैं जो समय निकाल कर आए हैं, इस परिवार लोग सभी को धन्यवाद है। हमारे मध्य में
कई ऐसे विद्वान का लोग पदार्पण हुआ है। हमारे मध्य में श्रीमान भैया शरण नाथ जी है और इस महीना से दुखित अवसर पर वो चंद शब्द कहेंगे, क्योंकि शरण नाथ जी हमेशा सब जगह पर ये जाया आया करते हैं। बल्लगढ़ एक कम उम्र का है, मेरा बहने हैं, लेकिन हर एक जगह पर दुख में सभी जगह पर खड़े रहते हैं, जाते आते रहते सब जगह। अभी मेरा माँ जी का भी निधन हुआ, शरण नाथ जी खड़े थे साथ में, और आज भी हम देख रहे हैं भैया शरण नाथ जी बहने भी यहाँ भी आ गए हैं। कितना सुंदर बात है, तो ये हम उसे नर निवेदन कर रहे हैं शरण नाथ जी से कि वो संसद करने की बात है। धन्यवाद जन समुदाय तथा शोकातुर में डूबे हुए परिवार के सदस्य गए। आज मानस पटल, हृदय पटल सोचने के लिए बाध है, विवश है कि हमारे हृदय कितना करीब जो थी एक महान हस्ती, तो आज हम अंतिम विदाई दे रहे हैं। आदरणीय श्रोताओं, कई लेखक सामने आए, कई कवि सामने आए, कई संगीतकार सामने आए, जीवन की व्याख्या अपने अपने शब्दों में विभिन्न प्रकार से की है। किसी ने कहा जीवन झील और झाकड़ है, किसी ने कहा जीवन सुलगती से चिता है, किसी ने कहा जीवन कोरा कागज है, लेकिन सभी ने निष्कर्ष यह निकाला, हर किसी ने कंक्लूजन यह निकाला कि हर जीवन का अंत हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन क्या है इसको समझना नितांत आवश्यक है। हम क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात को जानना नितांत आवश्यक है। श्रीमद भागवत गीता को अभी भी आप लोगों ने सुना, पूज्य पंडित जी के द्वारा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन का पर्दाफाश कराते हैं, उनके कर्तव्यों को बतलाते हैं कि जो धर्म रूपी या जो युद्ध था उसके लिए तैयार हो जा और अग्रसर हो, अपने कर्म पर अग्रसर हो, ये इस बात को लेकर उन्हें प्रेरित करते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि युद्ध कीजिएगा। आदरणीय श्रोता, हम चलते हैं, न जाने किस गली में शाम हो जाएगी, ये मालूम नहीं हम वो कौन सी बातें आखिरी होगी, वो कौन सा लम्हा आखिरी होगा, वो कौन सा समय आखिरी होगा जो आखिरी मुलाकात बनकर रह जाए। और जीवन में एक रात आएगी वो जो आप सभी के लिए, हमारे लिए आखिरी रात्रि होगी, याद रखिएगा श्रोताओं। इसीलिए किसी बात को लेकर हमें अभिमान नहीं करना है। हम जैसा कि भी पंडित जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है, पांच तत्व से बना शरीर है, अंग्रेजी में इसको फाइव एलिमेंट्स कहा गया है। समय आने पर ये विभिन्न पांच जो तत्व है अपने में विलीन हो जाएंगे। फिर हम क्या है, आप क्या है, याद रखिएगा श्रोताओं। कभी किसी, और हम एक बात प्राय देखा गया है कि हम पास से गुजरते हैं, अपना कोई होता है, हम अपना थोड़ा सा समय उनको नहीं दे पाते, मिल नहीं पाते, फिर बाद में उन्हें रहता तो हम पछताते हैं। इस पर किसी ने समय पर लिखा है कि समय निकाल कर अपनों से बातें कर लिया करो, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो समय का क्या करोगे, इतना क्यों गुरूर करते हो, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे चले जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे चले जाएंगे। और कभी किसी बात का अभिमान हो जाए, गुरूर हो जाए, तो शमशान भूमि का चक्कर लगा लेना, तुमसे हमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने पड़े हैं, याद रखिएगा श्रोताओं। हमने जीवन में क्या किया सोच कर देखना, पैदा हुए कहां से, माँ के गर्भ से, माँ कोई और, पहली बार नहाए कोई और नहलाता है, फिर सुंदर सुंदर नाम आप सभी के पास में है, नाम भी किसी और ने दिया है, फिर पढ़ने के पाठशाला में गुरुजन कोई और यानी अध्यापकगण कोई और होते हैं, फिर काम करने लायक हुए पैसा कोई और देता है, विवाह संस्कार किसी और के साथ में, मृत्यु हुई तो शमशान भूमि जाने की बातें हुई तो कांधा किसी और का नसीब होता है, ईंट चुनकर आशियाना बनाते, मंदिर का स्वरूप दे देते हैं, स्वरूप रहता है तुम्हारा घर लेकिन वो भी तुम्हारा नहीं रहता, उसको भी छोड़ना पड़ता है। श्रोताओं, ये जीवन है, इसको समझना हमारे और आपके लिए बहुत ही खास बात है कि हम एक दिन नहीं रह जाएंगे। याद रखिएगा श्रोताओं, शारीरिक रूप से याद रखिएगा, इस मटेरियल वर्ल्ड से जो कुछ हमें दिखाई देता है इससे हम कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन कर्म साथ में जाता है, लेकिन वैसे अगर शारीरिक रूप से हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे, याद रखिएगा श्रोताओं। इस पर किसी ने बहुत खूबसूरती से लिखा कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये शव वस्त्र कफन जिसे हम कहते हैं, उसको अच्छी तरह से देखना, जिस किसी ने भी देखा हो जानता है उसमें जेब भी नहीं होता है,
कुछ लेकर हम नहीं जाएंगे। हाँ, कर्म साथ में जाता है, वो अलग सी बात होती है, लेकिन शारीरिक रूप से हम कुछ लेकर जाने वाले नहीं है। बस वो प्यार की बातें जो कुछ हम यहाँ पर छोड़ते हैं, बांटते हैं, बस वही रह जाती, खट्टी मीठी याद जिसे हम कहते हैं, उसके साथ शेष परिवार के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा इस बात को कि बस वो खट्टी मीठी याद जिसके साथ शेष परिवार के लोग जीवन। एक पुराना सा गीत है, इसको जब तक सुनते हैं संभवतः उसके जो बोल है उस पर अच्छी तरह से ध्यान देना। पुराना सा गीत है कि कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अगले पंक्तियों में लिखा कि कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। और आगे लिखा कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको आग लगाएगा। वो समय जब आएगा, अपना ही कोई होता है जो आपके चिता को आग दे देता है। ये कैसे विडंबना है, जब तक हमने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत ही गया, ये इस दुनिया का ढांचा इस प्रकार से है कि हम समझ नहीं पाते, चलते हैं, राही हैं, ना जाने किस गली में शाम हो जाएगी मालूम नहीं, फिर भी कभी कभी हमारे में अहंकार हो जाता है, गुरूर हो जाता है, लेकिन सब कुछ यहीं पर छूटना है श्रोताओं, यहीं पर छूट जाएगा। और जैसे कि बहन जी के विषय में, भैया जी का जो व्यक्तित्व है, अरविंद जी बहुत ही धार्मिक सज्जन, और बहन जी से भी मुलाकात, अंतिम बार तो मुलाकात हुई थी भैया जितिन जी, स्वामी जी का भजन था वहाँ पर सनातन नगर पर, तो बहुत ही नर्म मिजाज, बस वही बातें रह जाती है ना, आपका व्यक्तित्व का प्रकाशन, पर्सनैलिटी जो है माथे से होता है, आपका माथा आपके विषय में पूरा पूरा हाल बतलाएगा कि आप किस प्रकार से प्रेम से बोली बोलो, न जाने वो बोली वो बातें कौन सी होगी जो आखिरी होगी, हम नहीं जान सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक दूसरे को समझें। आकाश में उड़ता हुआ पंछी भी ये जानता है कि कहीं बैठने की जगह नहीं होती, जमीन पर आना पड़ता है, तो हम क्यों गुरूर करें। जब इस बात को हम जानते हैं कि उतनी ही जगह, चाहे अगर हम मिट्टी को देते हैं उतनी जगह मिले दिया जाएगा, और अगर हम अग्नि को देते हैं शरीर को सौंपते हैं तो अग्नि ही लकड़ियां भी उतनी सी मिलेंगी, तो इस बात किस बात का हमें गुरूर। बस मिलते रहिएगा, एक दूसरे से समय निकालते रहिएगा, प्यार बांटते रहिएगा, चलते रहिएगा, मुसाफिर हैं जैसे कि हमने कहा, और इस पिंजड़े से एक दिन जाना है जो बात अनिवार्य है। देश का संविधान बनाया जाता है, गांव में संस्थाएं होती हैं, उनका विधान होता है, सब में सालाना सभा होता है, उसमें हेर फेर हो जाता है, लेकिन परमात्मा का विधान जो है वो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु आगे पीछे एक ना एक दिन हम सभी को जाना है। कोई युवावस्था में गया, कोई वृद्धा में गया, कोई मध्य अवस्था में गया, बस आगे पीछे हम चलते रहेंगे। परिवर्तनशील संसार में हम जन्मे हैं, परिवर्तन होता रहेगा, और हम और आप बस कठपुतली की भांति, जैसे फिल्मों में ना एक नायिका खलनायक होते हैं, आते अपनी भूमिका को निभाते हैं चले जाते हैं, उसी प्रकार से इस रंगमंच की दुनिया में हम और आप आए, अपनी भूमिका को निभा कर यहां से चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यादें रह जाएंगी, खट्टी मीठी याद जिसके साथ शेष परिवार के लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। घाव होता है, भर आता है, पर प्रभु ने हमारे भगवान ने इतनी शक्ति हमें दी है कि घाव भर आएगा, लेकिन जब हम वहां पर देखेंगे तो निशान रहेगा ना, एक समय चोट लगी थी। उसी प्रकार से अपनों को हम खो देते हैं, और अपनों का खोने का गम वही जानता है जिस पर ये गहन पीड़ा बीतती है, ये गहन पहाड़ टूटता है, वही जानता है समय के साथ घाव भरेगा, लेकिन यादें समेटते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। याद रखिएगा श्रोताओं, कुछ जाने वाला नहीं है, कर्म साथ में जाएगा, और खाली रहेगी कुर्सी, मेज पर तस्वीर रह जाएगी, कोई हर चढ़ा देगा, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पहचान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्री कृष्ण हर हरे राम जी का जो महामंत्र है, उनके साथ में भगवान के सानिध्य में हैं, और श्री कृष्ण जी जो कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, 16 कला 64 गुण से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने रामायण में मर्यादा को दर्शाया, याद रखेगा, हर जीवन के सभी क्षेत्रों को उन्होंने छुआ है, छूकर ओत प्रोत किया है श्री राम जी ने। और जब सुबह जागते थे तो जब भोजन करते थे, अनुज सखा संग भोजन करी, भाइयों और सखाओं के संग में भोजन करते, अकेले नहीं भोजन करते थे, और खेल में खुद हारते थे, भाइयों का बड़प्पन रखने के लिए खुद हारते थे। हम यहाँ क्या चाहते हैं, किसी प्रकार से हमारी जीत हो जाए, नहीं,
हमारे राघव ऐसा नहीं करते थे। मन को जाने लगे, विमाता केके ने रोकने का असफल प्रयास किया, कारण थी, लेकिन जब चेतना वापस आई तो रोकने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया, श्री राम जी ने समझाया कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मात पिता चरणन अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र या पुत्री धन्य है जो अपने माता या पिता के चरणों का सेवक होता है। याद रखिएगा श्रोताओं, माँ स्वर्ग पिता स्वर्ग का दरवाजा होता है। कभी कभी हम मानते हैं कि चलो सालाना तौर पर माँ को मंदिर में चुनरी चढ़ाएंगे, किसी कारणवश नहीं चढ़ सका तो चलेगा, लेकिन घर में माँ का तिरस्कार होता होगा तो नहीं चलेगा। ये धर्म मतलब, ये कर्म मतलब पंडित जी, ये बात ना। और अभी भी पंडित जी विभाग्यशाली, अभी भी कल परसों, कल मेरे ख्याल से अंतरिक्ष या तेरह दिवसीय क्रिया माँ जी की भी, नानी जी की भी, तो भाग्यशाली है। ये नहीं कह रहे कि अन्य भाई भाग्यशाली नहीं, लेकिन वो विदेश में थे, पंडित जी ने क्रिया किया। तो बस इसी प्रकार से, और मुद्दा है कि 80 से भी ऊपर वर्ष की माँ जी थी, नानी जी थी, दीदी थी। तो मुद्दा है कि हम अपने अपनों के साथ में रहकर प्यार बांटते हैं। हालांकि कानन वर्ष हम दूर दराज चले जाते हैं, कोई विदेश चला जाता है, लेकिन महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखला दिया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बस चलना है, चलते रहिएगा। रुक कर देखेंगे तो रुक जाएंगे तो जीवन ठहर जाएगी। ठहराव होने चाहिए, बहाव होता रहे। जैसे नदी पहाड़ों से भागती है, छोटी आकार में होती है, पत्थरों से अठखेलियां खाते हुए आगे बढ़ती है। हम और आप छोटे कहाँ पर पैदा हुए, कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई कहाँ पैदा हुआ। गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, चलते हैं। नदी को देखना समतल स्थलों पर ऐसा प्रतीत होगा नदी थम सी गई, और लेकिन वो थमती नहीं है, बहाव होता रहता है, अपने गंतव्य समुद्र से जाकर मिलती है। उसी प्रकार से हम और आप आगे बढ़ते हुए जाकर प्रभु से मिल जाएंगे। और वो कौन सा समय होगा, वो ही एक अहम बात, किसी को मालूम नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी जैसे कि हमने कहा पूर्ण ब्रह्म है, आप सभी जानते हैं। चले हम साथ हो जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि बहन जी की आत्मा जहाँ कहीं पर भी हो, दिशा विदिशा कहीं पर भी हो, पूरा पश्चिम किसी भी जगह पर हो, योनि देना है भगवान तो अच्छी से अच्छी योनि देना, अन्यथा अपने परम धाम में ले लेना। और इस आवागमन का जो संसार है, यहाँ पर कलेश बहुत है, विघ्ने बहुत है, इसे मुक्त कर देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिवार को हे अरविंद जी, बेटे बेटी पत्नी जितने भी परिवार बहन जी से जुड़े हुए थे, हम जानते सभी जुड़े हैं, लेकिन घनिष्ठता थी जिनमें, उनको भगवान शक्ति देना ताकि अपार दुख को वो सह सकें, क्योंकि यह दुख सिर्फ वो ही जानते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दुखी हुई हो तो सभी बोलों को क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना। हरे राम 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 हरे, मैं शैलराज अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शांति मिले, परिवार को धैर्य मिले, शेष प्रया हमारे पंडित जी के साथ। धन्यवाद शैलराज जी, जो कि बहुत ही सुंदर बात बताए, जो खास बात जो बताए बड़ा सुंदर बात, इस बात को हम भूलेंगे, याद रखना यही साथ जाता है। प्यारे बंधुगण, ये बड़ा बात बड़ा भाग्य श्रीमान अरविंद जी का, हम भी मैं भी यहाँ पर आया जाया करते थे, इस घर का भगवान को प्यारा हो गया, माँ जी भी प्यारी हो गई, लेकिन
बड़ी बहना बबली जी इस घर में थी, तो ऐसा थी हम आते थे जिस तरह से पहले आते थे, मौसा मौसी थे यहाँ पर, चाय पानी से सेवा करते थे, लेकिन मौसा मौसी भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन बबली जी भी यहाँ थी, जब भी हम आते थे जुड़ते वो चाय पानी बना कर ला कर देती थी। और दूसरा बात यह है कि अरविंद जी के माता पिता भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन बबली जी उसके माँ के समान थी, उसके माँ के समान इस घर में थी, इस घर में थी। तो आज बड़ा दुख का बात लग रहा है, कोई भी कार्य पूजा होए, कथा रोट बाचा क्या होता बबली पूजा में हाथ बढ़ा देती, ये लाना ये करना ये देना, तो ये कहते कि वे माँ के समान थी ना। बोले माँ तेरी ममता हमको याद सताती है, हमको आज रुलाती है माँ, माँ तो माँ तो माँ उस सब होती है, लेकिन हमें युवा पे एक बात शिक्षा को देखना है, सीखना है, एक बात शिक्षा को देना है, लेना है कि माँ बाप का जो है, बोले माँ बाप से बड़े कर ना दूजा खजाना, माँ बाप से बड़े कर ना दूजा खजाना, जिसे माँ ने तुझको जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। खजाना से माल खजाना से बड़ा है माँ बाप, तो एक माँ के समान थी अरविंद जी का, बड़ी बहना बड़ी बहन जी। तो बड़ी दुख के बाद यह होता है, हम ऐसा भी कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे हम अरविंद जी शांति से अच्छे से करेंगे, सुंदर से उसे क्रिया संपन्न करो, यही सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज यही होता है, सबसे बड़ा चीज यह होता है कि जो क्रिया है, क्रिया हमें सुंदर से करना है, उसके यही प्रार्थना हमें करेंगे, ठीक है, ठीक है, यही क्रिया हमें करना है सुंदर से। और अरविंद जी हमारे साथ देंगे, हम जानते हैं हम इस बात को कहा इसलिए क्योंकि आप उसके अपने माँ की तरह आप रखते थे, ठीक ना। और इसी प्रकार से उसके जो क्रिया है उसे सुंदर से करना है, ठीक है। दूसरा बात यह है, पंचक पंचक कल रात के लगा हुआ है, पंचक हमें पंचक पहले शांति करना है, तब कार्य को क्रिया को आगे बढ़ाना है, ठीक है। पंचक लगा हुआ है कल रात से, और पंचक में से मृत्यु नहीं हुआ, कल रात के पंचक लगा हुआ है पंचक, तो हमें पहले पंचक को शांति करना, तब क्रिया को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं अरविंद जी को, अरविंद जी अब आ जाएंगे, खड़े हो जाए, अब खड़े हो जाए, अभी जरा जाओ। ओम माता नमः, ओम नारायणाय नमः, हासन बच्चालन विनियोग बाय हदन मिले साथ में दैनाती आरामी का मुनि धर्म कर गालो, हम वाग में आसन वस्तुर नाक में, ओम नसुर में प्राण वस्तुर आंखों में, ओम अक्षर में छाचुर मस्तुर कान में, कणिहोर में श्रोत्र मस्तुरम बाहुर में, बाहुर में भल मस्तु हृदय में, हृदय में शांतर मस्तुरम गुप्तों में, वरवर में ओझर मस्तुरम उत्तचिन, अरिष्टियानि में आंगड़ी अरिष्टर्वा में सहसंतु हाजिर, हासन पश्चारण विनियोग, ओम पावित्री पैति धारण विनियोगम, ओम श्री खंड चंदन नमः। इसके बाद जो कंचक है करना है जी, एक गियर का हर जाएगा, हमें कुछ करेगा भैया तुरंत पता नहीं कहाँ कहाँ पर रखेंगे, पांच पुतला कुछ के बना हुआ है, पांच जगह पे रखेंगे, पांच मंत्र बोलेंगे संकल्प से, प्रार्थना करो हे परमपिता परमात्मा, स्वर्गीय बहन की आत्मा के निमित्त जो पंचक है क्रिया पंचक को शांति देते परमात्मा अच्छा करे। ओम तात कसना विष्णु 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 आदो ब्रह्मणे परमात्मा महामंगलमासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे अमुक तिथौ तिथौ अमुक दिनावासे रविवार सूर्यवार है ना, रविवार सूर्यवार वासे मध्यान काल समय लुटुका नगरी लोमो लोमो
लोमो लोमो ग्राम स्थान से अमुक के नाम से याद हमारे से नाम नमस्या अपन नाम अरविंद कुमार में अरविंद चंद नाम श्रीमान अरविंद चंद नाम से अमुक गोत्र से अपन गोत्र बोलना आहिर गोत्र आहिर गोत्र ताजी गोसा आहिर गोत्र आहिर गोत्र से हम चा स्वर्गीय अमुक प्रसिद्ध कर आत्मा नामी स्वर्गीय भय आत्मा नामी अमुक प्रेत से उसके नाम ले लो डरना अपन नाम बोलो उसके पूरे नाम स्वर्गीय सुशीला देवी नामी अमुक गोत्र आहिर अमुक गोत्र से हम आत्मा सदगति प्राप्ति उत्तम लोक प्राप्ति सदगति निमित्ता थे यदि अंतर सिद्धा क्रिया निमित्त हिता थे या पंचक यदि ओम पंचक शांति अस्तु भ्यो नमो नमः ओम प्रेतवाहाय नमः मुख लेकर को प्रेतवाहाय नमः सिर की शांति हुए उस अभी का लगा सुबह जाती से ओम भद बलमा से ही सुगन पक्षे या अमुक रचित हो अमुक दिन बासे रविवार वस्त्र भजन काल से नम नम ग्राम स्थान से या अपन नाम लो श्रीमान अरविंद चंद नाम से या स्वर्गीय बहन आत्मा निमित्त या अमुक से पितर आत्मा सुशीला देवी आत्मा निमित्त या अंतर अंतर सिद्धा क्रिया निमित्त आते हैं पंच शांति निमित्त आते हैं ओम प्रेत सखा ये नम शांति भ्यो नमो नम ओम प्रेत सखा ये नम राइट हाथ में बहन हाथ में रखो बड़ा सकना बहन हाथ में ओम भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे या अमुक तिथो रविवार वासरे या प्रातःकाल क्षमा करें मध्यान्ह काल समय या लुमु लमो ग्राम स्थान से अमुक नाम शर्मा नाम से श्रीमान अरविंद चंद नाम से या स्वर्गीय बहन आत्मा पृथ्वी पुत्र आत्मा निमित्त या यदि अमुक पृथ्वी से आत्मा नामरी सुशीला देवी आत्मा नामरी आत्मा स उत्तम लोक प्राप्ति निमित्त आते हैं अंत से देखे निमित्त आते हैं पंच शांति देते ओम हम ओम प्रेत ही ओम है प्रेत ओम प्रेत पावे नमः प्रेत पावे नमः इसके मतलब है कि उसके हाथ के लेख हाथ के देखो को इसके काक में यहाँ 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 पे काक में रखो इसकी यहाँ इलाही इलाही हमारे को देख 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 काक में रखो ठीक है इस रहा है ये लग नाभि पे है नाभि पे ओम अमुक मासा नाम से मंगल मासे भद्रपद मासे शुक्ल पक्षे या अमुक तिथो रविवार वासरे या लम लम ग्राम से या अमुक के नाम से मनस नाम से श्रीमान अरविंद चंद नाम से या चा स्वर्गीय स्वर्गीय बहन आत्मा निमित्त या सुशीला देवी आत्मा निमित्त एवं प्रसन्न आत्मा निमित्त दाद से दक या निमित्त आते पंच शांति निमित्त ओम है ओम प्रेत भूमि पाये नमः नाभि पे रखो नाभि पे नाभि पे अच्छा दोनों गोर के बीच में देखे ठीक है दोनों गोर के बीच में ठीक है ओम भाद्रपद मासे गल पक्षे या अमुक अतिथो रविवार मासे लोम लोम ग्राम निवासे अरविंद चंद नाम से चा परिवार से या स्वर्गीय बहन आत्मा निमित्त अमुक प्रसिद्ध पितर आत्मा निमित्त पंच शांति अंतर सिद्धा के ज्ञान निमित्त आते पंच शांति निमित्त आते हैं ओम प्रेत हत्राय नमः प्रेत हत्राय नमः शांति अस्तु गुरु पाद यहाँ पर रखा गया भैया ठीक है अब यहाँ से हम सोना के टुकड़ा थोड़ा आंख से बंद करो अच्छे से करना आप आ जाओ यहाँ सोना के टुकड़ा से शुरू करेंगे काल में सोना टुकड़ा मुंह में छोड़ेंगे हाँ बच्चा शांति हो गया आप सोना टुकड़ा छोड़ेंगे ऐसे ही जाएंगे इसमें पाँच गिलास भर रखा है जब सो जाएगा पाँच गिलास को खोएगा भी खोलना है ठीक है ओम सीतापति सुदीपर पाईवं नमो नमः नमो भगवते वासुदेवाय सुवर्णे अमु प्रसे पितरात्मा निमित्तेहे सुशीला देवी आत्मा निमित्ते सुवर्णे जितो पति सतामे ठीक है आप पिन उठाओ कटे पति पे और एक कुश आप पिन उठाओ पिन पटिका लगाओ इसया मास नाम से महामंगल मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे या अमुक तिथौ त्रयोदशे तिथो अमुक दिन वासरे या रविवार वासरे या मध्यान काल समय चित्रगढ़ नगरी जिला लमो लमो ग्राम स्थान से अमुक नाम से यजमानस नाम नमस्या अपन नाम ले लो श्रीमान अरविंद चंद नाम से अहिर गोत्र से या गोत्र बोलो अहिर गोत्र से परिवार सैकम या स्वर्गीय बहिन आत्मा निमित्त या अमुक प्रसिद्ध आत्मा निमित्त नामनी स्वर्गीय सुशीला देवी आत्मा नामनी
इफ बबली आत्मा डाली यदि आत्मा उत्तम लोक ग्रह गमन निमित्त थे यदि अंतरिया निमित्त दार थे यदि मिट स्थान पिंड से यमया दिए तो पाती स्थान थोड़ा खोलो भैया राइट राइट हाथ में पकड़ा हाथ में पकड़ा मेरे हाथ में पकड़ा भैया एक दूसरा पिंड है स्वर्गीय सुशीला देवी आत्मा नामनी आत्मा अरविंद चंद नाम से परिवार सहित अमुक गोत्र अहिर्गोत्र से या स्वर्गीय भाई आत्मा निमित्त अमुक प्रति आत्मा नाम रे अमुक प्रति से स्वर्गीय सुशीला देवी आत्मा प्रति से यदि अंत से जगह निमित्त आते या चिता चिता स्थान पिंड से या छात्र पर पिंड से मैं आदित्य तो पति स्थान छात्र पर हो रहा है ठीक भैया तीन पिंड हो गया ठीक अच्छा निकल गया चंद्र निकल गया उसकी अबला बंद कर लागे से अबला आसला बंद कर भैया तो अबला देख लाओ आप देना उठा 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 देना वहाँ पे ओम श्री खंड चंद्रम मैया दिए तो पति स्थान उस यंग आत्मा निमित्त या आत्मा उस प्रेत आत्मा नाम से चंदन है टीका मैया दिए तो पति स्थान ये प्रेत दो सीमा दो सीमा माला माला है कौन को माला कैसे कैसे आखिरी मीटर संगे पतो के संगे रोज संगे पतो सामान आप उसके पतो सामान पूरा अधिकार है आपकी करना अच्छा बड़ी बहन रहा तो संगे रहा था माँ समान थी ओम पुष्पमाला मैया दिए तो पति स्थान मया दिए द्रौपदी स्थान है पुष्पमाला सुशीला देवी आत्मा निमित्त मया दिए द्रौपदी स्थान तुलसी माला नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना भी तुलसी के जल गीता में बनेगा कितना भी तुलसी अगर चढ़ाएगा कभी भी तुलसी के पत्ती एक पत्ती में से आधा कभी नहीं नमो टूटो है ना वो भी ख्याल करना इम्पोर्टेंट चीज है खास है तुलसी छोटा भी है पत्ती है तुलसी पानी में छोड़ना है कभी कभी लोग टूट टूट के छोड़ देते ना ही दोस्त लगे ओम पुष्पमाला मया दिया तो पति स्थान पुष्पमाला मया दिया तो पति स्थान नमो नमः आत्मा निमित्त है तुआ कोई जाते लो आपका शांति दे भैया ठीक है तुलसी पानी अरविंद जी ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बल्लित्री संध्या मुक्त ज्ञानी हरदा मातरा सिदानंद भो अग्ने भयनाशिनी वितरे प्रणतत्वार्थ ज्ञान मंजरे ठीक है आप भी प्रेरणा ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बल्लित्री संध्या मुक्त ज्ञानी हरदा मातरा सिदानंदा भ अग्नि भय नाशनी वेत्रे बड़ा अनंत सत्य त्वर ज्ञान मंजरे प्यारे बंद गणे जो तुलसी जल छोड़ने के लिए जो खास विषय में परिवार इनका है परिवार जो है सगे में है और तुलसी जल छोड़ना चाहे बारी बारी से आएंगे तुलसी जल छोड़ेंगे है ठीक है अरविंद जी आप के माँ समान नहीं थी वो उसके चरण की आशीर्वाद ले लो बड़ी बहन मार समान थी अब आशीर्वाद ले लो ठीक है और 50 लोग जो परिवार के लोग हैं तुलसी जल छोड़े मांगे छोड़ दे सके बड़ी बड़ी आते रहे छोड़ते रहे हम लोग महामंत्र का जाप करते रहेंगे टीका लगाते रहना तुलसी जल ठीक है और पेटोरी का पानी जल छोड़ने वाले आगे छोड़वा
यात्रा हम लोग सैवनी रखी थी शमशान भूमि ले जाएंगे और सैवनी रखी थी शमशान यहाँ से थोड़ा दूर पे है और हम चाहते हैं कि समय पर कार्य को करें। समय बड़ा बलवान होता है क्योंकि ऐसा समय चल रहा है, लोग समय पे आते हैं समय पर लौट जाए और एक बात महामंत्र का हम लोग जाप करेंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मेरे अंदर से मेरे अंदर ठीक है, एक बात और सूचना आया हुआ है, मिला है सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया, भोजन दान में आया हुआ है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। लोग दूर से आते हैं, भूख लगता है, लोग भोजन कर ले, उस आत्मा की शांति मिले। परंतु एक विशेष प्रार्थना हमारी तरफ से है, अरविंद जी का जितना जो कुल का है उस भोजन को नहीं करेंगे, ठीक है। वो छोकर भोजन होता है आज से, तो वो छोकर भोजन जो है नहीं करते हैं। बताओ जो परिवार के लोग हैं भोजन करके ही जाना सब लोग, धन्यवाद भोजन दान देने वाले, ठीक है। वो जगह पर देखा गया है ये बात, पंडित लोग नहीं बताते। तो जो कुल का है, कुल अब क्रिया आरंभ हो गया है, जो कुल का है आप लोग अरविंद जी आप लोग भोजन नहीं करेगा, ठीक है। जो भोजन दिया है अरविंद जी के भाई के प्रति, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी की तरफ से, धन्यवाद दानदाता जो भोजन दिया है। अरविंद जी के मौसी के पुत्र लोग ने जो दान दिया बहुत धन्यवाद है, और सभी लोग भोजन करके अपने घर को जाना, ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। एक चुम छोड़े हट जाए ना, एक बार छोड़े हट जाए, एक चुम छोड़ेगा, तीन बार छोड़ेगा, एक के बाद एक बार छोड़े हट जाए, एक ही बात। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। अभी लोग आप लोग देख रहे होगा, कई जगह पर सुन रहा होगा, जब से ये बीमारी महामारी का चल रहा है उसमें पंडित लोग जो क्रिया के नाम नहीं बताते, इसलिए कह नहीं बताते हैं कि ज़्यादा लोग एकत्र नहीं हो जाए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जो दूध क्रिया है ये कल किया जाएगा, सोमवार को कल है, कल 9 बजे दूध क्रिया होगा शाम के इनके घर पर, करीबन 3 बजे 3 बजे 3 बजे गीता पाठ आरंभ होगा, 3 बजे समय पर, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि रात का मत ना करें, हम लोग आए मिले परिवार आ जाए, कुछ खा पी ले चला जाए समय पर। गीता दिन में भी होता है सुबह भी होता है ना, दिन परिवर्तन संसार का नियम है, तो समय के साथ चलना है। 3 बजे गीता पाठ होगा कल से, और जो 10 गात क्रिया है वो अगला मंगलवार को होगा, मुड़न होगा, जैसे पिंडदान दिया जाएगा। अंतिम जो बैठक होगा बरही का 12वां रोज का, वो अगला गुरुवार बृहस्पतिवार के रात्रि में होगा, ठीक है। और अगला शुक्रवार के, अगला शुक्रवार के दिन में 10 बजे तरही का यज्ञ हवन क्रिया के यज्ञ के साथ ब्रह्मभोज होगा, ठीक है। तो ये था इस आत्मा प्रति क्रियाक्रम। अब डॉक्टर लोग तुलसी दल छोड़ रहे हैं, कुछ परिचय इस प्रकार से आया है, इस परिवार के जो परिचय दे रहे हैं, इनका नाम सुशीला देवी थी, लेकिन ये लोग प्यार से बबली करके बोलते थे, बबली। और ये स्वर्गीय श्रीमान देव नारायण जी के तथा स्वर्गीय श्रीमती प्रभावती जी के बेटी थी, ज्येष्ठ बेटी सबसे बड़ी। ये लोग चार बहन में से एक बहन भगवान को प्यारी हो गई, 3 भाईला है, और इनका 2 भाई है अरविंद जी और एक भाई सुबह में है और आया हुआ है यहाँ है, 2 भाई।
और भाई भाभी और एक विशाल परिवार इनका था, छोड़कर बबली जी इस परिवार से विदा ले लिए। तीन बेटा जो है उमा देवी जो फिजी में है, ललिता देवी जो कनाडा में है, ललिता देवी उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ से कि उनको बहुत हाथ सहयोग दिया और वहां से आज बिलक रही है बेचारी, लेकिन वहां से आशीर्वाद देते हैं, सभी को धन्यवाद भी देते हैं ललिता देवी और इस परिवार का बहुत सहयोग दिया ललिता देवी कनाडा से। रीना देवी फिजी में है और जो दो भाई जिसने रतीश चंद और अरविंद चंद, भाभी जी सुधा और संजनी, संपत्ति आया हुआ है कई ऐसे परिवार के लोग इनका विदेश में है नहीं आ सकते हैं कारण बसे, लेकिन वहां से इस लाइफ को देख रहे हैं क्रिया को और इसे श्रद्धांजलि दिया, उसका नामावली इस प्रकार से है और सभी ने सहयोग दिया है। साथ में हरि नारायण मामा जी और उनके समस्त परिवार ऑस्ट्रेलिया से, अवनेश कुमार और उनके समस्त परिवार वो भी ऑस्ट्रेलिया से, श्रीमती और उनके समस्त परिवार अमेरिका से, श्याम सिंह और उनके समस्त परिवार अमेरिका से, श्रीमती धनिषा जतन और उनके समस्त परिवार ऑस्ट्रेलिया से, रीनल चंद और उनके समस्त परिवार ऑस्ट्रेलिया से, नीतू और उनके समस्त परिवार न्यूजीलैंड से, रैना चंद और उनके समस्त परिवार न्यूजीलैंड से और एक विशाल परिवार और पड़ोसी गांव वाले परिवार का फिजी का लोग भी परिवार का भी लोग सभी लोग को धन्यवाद दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस आत्मा के नाम। रश्मि रिनेश रेणु रनेश सीमल सीमा रैना शायल योगिता योगेश रानी आदर्श और आरिश, इनके बहुत साथ थी और बहुत आज का सामना कर रहे हैं। अच्छी सी हमारी अच्छी फुआ थी, एक अच्छी मौसी थी और एक विशाल परिवार को छोड़कर इस परिवार से विदा लेंगे। तो प्यारे भक्तगण हमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, जहाँ इसकी आत्मा गया हो कोई ऐसा बात जो है जो मैं नहीं कह सकता हूँ और उसको क्षमा करिए आप लोग और जो क्रिया है सुंदर संपन्न हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और जब हम शो को उठाएंगे तो इतना प्रार्थना है पहले से बता देते हैं कि शो को हम लोग 5 जगह पर से रखेंगे ला देंगे, ठीक है, पंचक है 5 जगह पर रखेंगे उठा के ला देंगे। और शमशान भूमि जाने वाला जो सामग्री है अंदर घर में रखा हुआ है 2 चीजें उसको आपके में लान देना, कोई जी जी से नहीं हो पाए कि पंडित जी वहाँ पर पहुंचा पंडित जी ये नहीं रहा पंडित जी थरिया नहीं आई वो सब बात नहीं लांगे, पहले से लांगे प्रबंध हो रहेगा तो ये सब चीज वहाँ रखा रहे भैया चेक कर लो, तो ये सब चीज हम लोग तैयार कर लो वहाँ रखा हुआ है। और जो सरसों है इसके अंदर में सरसों सब निकाल के ऊपर रखो और 5 कपूर पीस निकाल एक थरिया में पानी थरिया में पानी खा रहे हैं लोग देखो तब यहाँ प्रार्थना करें ठीक है, प्रार्थना हम लोग अंत सभी लोग दर्शन कर लो बारी बारी से और अभी प्रार्थना बता ऐसे करो, अच्छा ऐसे करो कुछ लोग देखिए भगवान सुनो यार अभी प्रार्थना बचा प्रार्थना 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 आखिरी में क्या आप भाई करो बता
चढ़ा दो, चढ़ा दो, देख लो चक्रिया। आओ दर्शन करते जाओ, दर्शन कर लो, चढ़ा लो चक्री प्रादरा खास ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे। एक बार फिर बंदगढ़ आप सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं परिवार की ओर से। हम लोग शो को यहाँ से 10 वर्ष को उठाएंगे, 10 वर्ष को अभी 12 बजे की बाकी है, रात्र होगा, पूरा शांति पाठ होगा, तब हम लोग राम राम सब करेंगे और 5 जगह रखकर 5 कबूर मारेंगे और 5 गिलास को फोड़ेंगे और जो पानी है ठाकुर में पानी भी गिराएंगे। गड़बड़ी पंडित के लिए बताई के लिए करेंगे सर, घबरा कर साथ करेंगे, ठीक है। बंद कर जा, आप खड़े हैं, आप लोग भी खड़े रहो। एकदम शांति से प्रार्थना करो, ठीक है। चले अपने हाथों को हम जोड़ ले, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे अनादि भगवान, जहाँ भी स्वर्ग सुशीला देवी के आत्मा हो, उस आत्मा के भगवान शांति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे भगवान, घर वाले को दृढ़ता बनी रहे परमात्मा, आगे का जो कार्य है क्रिया वो भली भांति सुंदर से संपन्न हो और आप सभी का सहयोगी हो और सुंदर से फूल चढ़ाते रहेंगे इस आत्मा के प्रति जब तक इस क्रिया को संपन्न नहीं हो जाता। और हे परमपिता परमात्मा, शायद सुशीला देवी के आत्मा कहीं कोई भी दिशा में चलेगी हो, आकाश में मार्ग में, चाहे धरती पे हो या पाताल में हो या जल में चला गया हो, परमात्मा उस आत्मा सुशीला देवी के आत्मा परमात्मा के शरण में जाए, अच्छी से अच्छी योनि में आत्मा जन्म ले, यही हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और हे परमात्मा से गिनती करते बारंबार, हे अनादि भगवान, मोक्ष मिले आत्मा के और मोक्ष के धाम हो आत्मा और शांति मिले, यही प्रार्थना है, ठीक है। हम लोग जो जो लोग मंत्र जानते हैं हमारे साथ बोलेंगे और एक धुन में एक सुंदर स्वर में प्रार्थना होना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है पंडित लोग प्रार्थना करता है, इधर कोई लोग बात करते हैं, किसी का मोबाइल फोन बज जाता है, ऐसा नहीं होना है। हम लोग के बहुत प्रार्थना जो है प्रेत मुक्त प्रार्थना, वो खास प्रार्थना है मंत्र द्वारा, ठीक है। तो शांति से प्रार्थना करेंगे भगवान उसकी आत्मा जहाँ भी हो मोक्ष मिले जाए, विकुंठ मिले, शांति मिले, यही प्रार्थना है। तो आप लोग जो लोग मंत्र जाने हमारे साथ बोलेंगे सहयोग साथ देंगे, ठीक है। मंत्र का सही प्रयोग हमें करना है, अक्सर देखा जाता है एक महामारी का जो बीमारी है, ये हमें काफी शिक्षा देता है, लाइफ द्वारा जो होता है
क्रिया होता है, कभी कभी देखा जाता है, लोग जानते नहीं है। सभा का जो ब्राह्मण पंडित होते हैं उनका लाना चाहिएगा, उनके सभा का विधान से काम करना चाहिएगा। जो सभा का विधान नहीं होता मेंबर होता है उसके लोग करते हैं, लाइव द्वारा लोग देखते हैं, घंटी कहीं आता है पंडित जी उन्होंने गलत मंत्र बोला, उन्होंने गलत क्रिया को संपन्न किया, उससे मुक्ति नहीं है भाई। तो सभा का जो मेंबर हमारा होता है सभा से संपर्क करो, सभा का जो पुरोहित होता है उसके लाने की कोशिश करो, ताकि सही ये महामारी जो है लाइव द्वारा काफी लोग को पकड़ा गया है कि जो उल्टी सीधी मंत्र बोलते रहता है। तो हमें होशियारी रहना है, जगत में कुछ बड़े होशियार लेकिन जलवायु हम लोग पकड़ी ले जाए। चले सुशीला देवी की आत्मा से प्रार्थना। चक्रगाधाधर अक्षेपुण्डरीका प्रीतमोच प्रदुर्भव यतीशपुष्प शङ्कासमं पीतवासमायोच्यतम ये नमः सन्ति गोविन्दना तेषा विजते भयम्। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वम् यगतीनां गतिरभवं संसार नरव मरणानां प्रसिद पुरुषोत्तमं नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर प्रदा अनेन दर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदुर्भवाम्। हिरण्य गर्भ पुरुष वेक्ता वेक्त सरूरे पड़े आसे प्रेत से मोचा सुप्रीता भव सर्वदा प्रेत मोक्ष प्रदुर्भव प्रेत मोक्ष प्रदुर्भव। सभी लोग ओम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हम शांति पाठ करेंगे। भगवान सुशीला देवी बबली की यात्रा के शांति दे, परमात्मा इस घर में शांति दे, कुल में शांति दे, प्रार्थना करते सभी को भगवान कल्याण करे, सभी को शांति दे। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति साम शांति ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। कृपया अगर नहीं देखा तो देख लेंगे और दर्शन कर लो, उसके बाद फिर हम लोग समय पर 5 मिनट बाद सबको उठाएंगे, चीज वगैरह सब चीज चेक कर लो, लग गया है कैसे है सब चीज, 5-20 कपूर हमें दे दो। भैया जी सुना मिला है किसी का गाड़ी गाड़ी है गाड़ी नंबर की समय अच्छा है पानी भर।
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी,
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
आपकी लवन लवन निवास रही स्वर्ग श्रीमान देव नारायण तथा स्वर्ग श्रीमती प्रभावती के पुत्री ज्येष्ठ पुत्री स्वर्गीय सुशीला देवी जी के मृतक शरीर सीता के ऊपर रखी हुई है। और आप सभी जानते हैं संसार में जो जन्मा उसका मृत्यु अवश्य होती है। आवागमन का संसार में जो जन्मा उसका मृत्यु अवश्य होती है। और बीता बृहस्पतिवार के शाम के समय कितना सुंदर से मृत्यु हुआ परिवार के साथ के घर पर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के शरण में चली गई। जहाँ भी उसकी आत्मा गया हो भगवान शांति दे सदगति मिले मोक्ष मिले। लोग प्यार से इसके बबली के नाम से बुलाते थे। और इनका उम्र यह 65 वर्ष की थी। और एक विशाल परिवार को छोड़कर चली गई है। कई से लोग हैं जो देश विदेश के परिवार है और इस क्रिया को लाइव हो रहा है वहाँ से देख रहे हैं साथ में जुटे हुए हैं। और यही हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो हमें चिंता भी नहीं करना है लेकिन जो चिंता आ जाती है लेकिन कृष्णा जी कहते हैं ज़्यादा चिंता में भी रहेगा तो नहीं ठीक है। इसलिए बिल्कुल भगवान के दिया हुआ वस्तु और साथ साथ यही बताऊंगा कि जो क्रिया है दूध क्रिया हम लोग कल करेंगे भैया जी चतुर्थी हम कल क्रिया करेंगे दूध क्रिया। और कल शाम के 3 बजे इनके घर पर भगवद गीता होगा और बारी बारी से परिवार लोग आते रहेंगे और समय का नियम जो पालन करेंगे जो जो हमारे देश का जो नियम है उसका भी पालन करेंगे अपन समझदारी से काम करेंगे। जो क्रिया है सुंदर से संपन्न हुए यही प्रार्थना। 10 घात क्रिया होगा मुंडन अगला मंगलवार के 10 घात क्रिया होगा 10 पिंडदान दिया जाएगा। और जो बढ़ई का बेटकी होगा अगला गुरुवार के रोज बढ़ई का बेटकी होगा। और जो तरई का हवन घर पर अगला शुक्रवार के दिन में 10 बजे इनके घर पर हवन यज्ञ के साथ क्रिया समाप्त होगी। ये 13 रोज का क्रिया है सनातन धर्म का जो नियम है उसे नियम पर होगा विधान पर ठीक है। और बारी बारी से लोग आते रहेंगे पंडित द्वारा सभी के भी आएंगे मौका रहेगा तो उसके करने का मौका भी दिया हुआ है सरकार ने तो ऐसे करेंगे हम जो कुछ भी करें अच्छा से करें समय से करें ढंग से करें ये बड़ा उचित माना गया है। तो कहते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाला का नाम तो भाग्य जो बात होता है भाग्य किसी का सबके नहीं मिलता है। आज हम लोग इस तरह के भी भाग रहा भैया आने के लिए तो भैया जी हम लोग जो फूल चावल सबके बांट लेंगे और प्रार्थना जो है लोग करेंगे ठीक है। ये लोग है हाँ ये लोग है चार बहन में सबसे बड़ी बहन थी और 3 बहना बची है और 2 भाई है इनका रितेश और अरविंद रितनेश और अरविंद रत्नेश रत्नेश अरविंद और एक विशाल परिवार निकला है। अपने घर पर रहती थी भैया साथ में लेकिन एक भैया के नाता नहीं बहन का नाता नहीं रहा एक माँ और पिता का दर्जा दिया है उन्होंने बबली जी है हमने देखा पिता और माँ बनकर रहते थे अरविंद के साथ में। उसी तरह से हमें एक माँ की तरह एक माँ के प्यार के आशीर्वाद एक पिताजी के आशीर्वाद लेकर रूप में देख के बबली जी का काम सुंदर से करना है। ये बड़ा पूजा है ना लंबी छोड़ी भाषण शमशान भूमि में कोई जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ना इसे कई बार सुना होगा लंबी थोड़ी भाषण होता है संसारों में कोई फायदा नहीं सुनाने के लिए करने के लिए मौका है करो बस कर्म प्रधान हम भैया जो कुछ ना कर्म करना है फल की आशा नहीं करना है। सुंदर से हम लोग उठाकर बबली को यहाँ लाया किताब पे किताब बनाने वाले को धन्यवाद भैया किताब बनाए हैं। और चले हम लोग बबली के आत्मा प्रति सुशीला देवी के आत्मा नाम से प्रेत मोक्ष प्रार्थना करें अनादि भगवान को ध्यान करें। आप जोड़ लेंगे हम सभी लोग भगवान अनादि देव से प्रार्थना करो कि हे अनादि परमात्मा जहाँ भी इसकी आत्मा जल में चाहे पाताल में चाहे कोई धरती पे कोई भी लोग गया हो भगवान आत्मा को शांति देना मोक्ष मिले भगवान और सदगति मिले यही प्रार्थना है। सभी हम लोग साथ साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं जो लोग मंत्र जाने हमारे साथ बोले चक्रगदाधरम् अथि पुण्डरीका प्रीतमोक्ष प्रलोभवाम् यति सपुष्पा सङ्गः समः
इतवा समायोजतम ये नमस्सन्ति गोविन्दा तेषा विदते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपाल स्वम जगति नाम कबीर भवम संसार नरवे मगनार्हम प्रसिद परमेश्वरम नारायण सूर्य श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत भरे प्रदम अनंतर्पणेनाथ प्रीतम प्रदम हिरनगर भा पुरुषा वेदता वेदता सरूर फणि आसीत वेद से मोचा सुप्रीता भव सर्वदा प्रीतम वाचा प्रदो भव प्रीतम मुक्ते प्रदो भव सर्वे प्रिय ओम श्री कृष्ण अर्पणम हम शांति पार करें सुशीला देवी की आत्मा शांति मिले सभी को शांति दे परमात्मा ये प्रार्थना है ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति प्रीतावे शांति आप शांति औषधया शांति वनस्पतिया शांति विश्वर देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति एव शांति साम शांति एदी हरि ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आप लोग के फूल चावल है चढ़ा देंगे भैया दर्शन करने कोई के हाथ में फूल चावल अगर नहीं भी है तो हाथ जोड़ लो भैया दर्शन कर लेगा ठीक है। और पंचक है जब हम चिता में अग्नि लगाने से पहले हम पांच आहुति देगा पंचक का शांति करेगा तब अग्नि चिता में लगाएगा ठीक है। धन्यवाद। जाग देखा थोड़ा और प्रीतवाई रक्षा
शांति करो प्रेरित सखा जन स्वाहा अहम प्रेत है स्वाहा ओम प्रेत भूमि काय नम स्वाहा ओम प्रेत हत्राय नम स्वाहा जाति भवते प्रजानाम आम आसु स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ओम तत्सवातु दुष्कर्तम काम जानता वाप्य जानता मृत्यु काल नरपतित्वा मगतम जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं गए चार अगर
समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा